हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के बीच में एक गांव मिलता है जिसका नाम है अडालज। वहीं पे अडालज स्टेपवेल है, तो इस ब्लॉग में आपको अडालज स्टेपवेल देखने को ही मिलेगा। तो ब्लॉग में आगे बने रहिए। तो अभी हम अडालज गाँव में पहुँच चुके हैं और यहाँ से अडालज स्टेपवेल में जाने वाले हैं। जो आगे जा रहे हैं वो हमारे फेलो ट्रैवलर है, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पर जाएँगे। वहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको 20 रुपीज़ लगेगा, और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो तो 25 रुपीज़ लगेगा। मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था तो हमें 20 रुपीज़ लगा था। टिकट का हम आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में शेयर कर देंगे। तो यही टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट मिलेगा, और इस सामने से एंट्री गेट है। आगे जो जा रहे हैं वो हमारे गाइड हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जब रूड़ा भाई यहाँ पे आई विज़िट किया उन्होंने, विज़िट करने के बाद उनकी जो गॉडेस थे, आप जैसे नीचे जाओगे राइट साइड पे उनकी गॉडेस थे जहाँ पे फूल लगे होंगे, वहाँ पे उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पे सुसाइड कमिट कर दिया। मोहम्मद बेगड़ा इस चीज़ से परेशान हो गया। उसने मजदूर लोगों को बुलाया, पूछा कि आप ऐसी कोई स्टेपवेल बनाओगे दूसरे? तो उन्होंने बोला यस। उन्होंने सोचा कि जो राजा है वो हमसे खुश हो गया, इसीलिए जो 7 मजदूर थे जो मैन थे, तो उन्होंने 7 मजदूरों को मार दिया। और यहाँ पे आप जो कब्र देख रहे हो ऊपर की तरफ, वो 5 है, टोटल 7 हुआ करती थी। पहले 2 निकल गई साइड की, वो 7 हुआ करती थी। स्टेपवेल जो है, पहले यहाँ से नीचे जाओगे छोटा कुआँ है, पीछे की तरफ बड़ा वाला कुआँ है, वो देखना है। पहले नीचे की वाला पार्ट देखना है। यहाँ पे भी आर्किटेक्चर देखने वाला है इंडो इस्लामिक। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जरूखा है, बैठने वाली व्यवस्था, उस टाइम पे भी अंदर की साइड पे बैठने की व्यवस्था थी। कुछ जगह पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, सीधे नीचे ही जाना है। चलिए, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक होता है तो इंडो इंटरलॉकिंग सिस्टम है जिससे अर्थक्वेक में कोई डैमेज नहीं हो सकता। देखिए, आपको आइडिया आ सकता है कि शायद वो पास निकल गया है। हमारे घर में जो टाइल्स होती है ना, वो स्क्वायर फीट की रहती है, सीधी रहती है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला पास, देखिए ये वाला, देखिए थोड़ा, यस अभी आगे आइए नीचे, हर एक में देखना है थोड़ा थोड़ा, इसके अंदर भी रहता है। हाँ, ज्वाइंट, यस ज्वाइंट रहता है ऐसे ही। आप हर एक जगह पे, हर एक जगह पे जितने भी आप पुराने, तो वही करना पड़ेगा, जितनी भी पुरानी चीज़ देखोगे ना तो इंटरलॉकिंग ही रहेगा। अभी हम स्टेप बेल के पास में जाने वाले हैं और आपको स्टेप बेल दिखाने वाले हैं। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए और ये शॉर्ट्स इन्जॉय कीजिए नीचे जाने का। सामने वाला रूप वो उस टाइम के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सामने देखिए, बीच में राजा बैठा हुआ है, पंखा डाल रही है, उसके साइड में माथा निकाल रही है, लास्ट में वो खटिया है वहाँ पे सोए हुए, इस तरफ पैरेट है, गणेश जी है। तो उस टाइम का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं ये सामने वाला। ऐसा ऊपर की तरफ भी अलग अलग देखने को मिलता है जो बनाया हुआ है। तो अभी हम अडालज स्टेपवेल के नज़दीक पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं अडालज स्टेपवेल को। तो जो ये आप देख रहे हो यही है अडालज स्टेपवेल। कुआँ नुमा है, कुएं के जैसा दिखने में लग रहा है, और ऊपर का इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है जो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। यही ऊपर का आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हो, काफ़ी पुराना है। अभी आपने अंदर का व्यू देखा, अब आप बाहर का व्यू देखिए। बाहर से भी बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। तो अगर आप आना चाहते हो तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।